ली सुनचंद। इसे मैंने बुलाया है, अपना एक काम करने के लिए दिया था। ये रहा इनाम। रुक जाओ, ये मेरे घर इनवाइट किया गया है, यूं ही जाने नहीं दे सकता। इनके लिए बैठने का इंतजाम करो। ली सुनचंद, बिना खाना खाए मत जाना। आज तेरी किस्मत चमक गई है ना चूजे, ऐसे खाना खिलाने की जरूरत नहीं थी, इसे जाने देना चाहिए था। कि पक जांगोन, बेशक इसे तुमने यहां बुलाया था, पर ये मेरा घर है तो चुप रहो। वैसे सुनचंद, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? वो एक कार्टूनिस्ट हैं। वेबटून्स? मुझे वेबटून्स पसंद है। कि वो बस एक नाम के आर्टिस्ट सिर्फ है? नाम के? मुझे तो लगता है वो गैर जिम्मेदार इंसान होंगे। इस उम्र में वेबटून्स कौन ड्रॉ करता है? ये तो सच है। ओ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसे ये मत दो। पुराने चम्मच होंगे वो ले आओ। अगर गोल्डन स्पून देखेगा तो उसे पानी की जिद कर बैठेगा। हमारे यहाँ स्टील के स्पून तो होंगे ना, इसके लिए चमकीले स्टेनलेस स्टील के स्पून ले आओ, उसी से खुश हो जाएगा। माफ करना पर मैं एक बहुत ही प्यारे से परिवार में बड़ा हुआ हूँ, किसी ऐसे वैसे स्पून से खाने की आदत नहीं है। आखिर मैं अपने माँ बाप का लाडला जो हूँ। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, ते आऊँ? देखने में तो मस्त है। शुरू हो गया चमत्कार। हजार बॉन खर्च कर दिए? हाँ, पर वो पैसे वसूल हो गए। सोंगा, मॉम, क्या हुआ? आप सब लोग ठीक तो हैं? मॉम, मॉम, डैड, सुंगा, उठ जा। अब नहीं, अपनी आंखें खोलिए मॉम। नहीं, हजार वॉन का गोल्डन स्पून जो आपको रईस बना सकता है, और एक अजीब बुजुर्ग औरत। मेरी उम्र वाले किसी के भी घर में गोल्डन स्पून से तीन बार खाना खाओ पर उससे पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। एक महीना, एक साल, दस साल। बताओ क्या ख्याल है, अमीर बनना चाहते हो या नहीं? और जब आप बिल्डिंग खरीद सकते हो तो REIT में इन्वेस्ट क्यों करना है? REIT में इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्टमेंट की रिस्क को घटा सकते हैं और डिविडेंड इनकम को टैक्स ब्रैकेट में डालकर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तुम्हारी नॉलेज अच्छी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लोग REITs में डेवलपिंग रियल एस्टेट के जरिए या पहले से डेवलप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इस आर्टिकल में लिखा है कि शहरों में जो मकान है वो पिछले साल तक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित हुए हैं। यूं समझ लीजिए कि वो बिजनेस होटल्स हैं। बस ऐसे फंड्स का पता करना है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में हैं। बहुत ये तो चिल्कुट सुन चुका है। ये तेयांग के साथ क्या कर रहा है?